जी कृष्णा, कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए महादेव से, ईश्वर से, एंजल से हमेशा प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग अपने जीवन में बहुत स्वस्थ रहें, बहुत मस्त रहें। आप सभी लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, सक्सेस हासिल करें, आपको आपका प्यार मिले, परिवार मिले, आपके करियर में आपको ढेर सारी सक्सेस मिले। डियर, आज फिर से हम आप सब लोगों के लिए महादेव का संदेश लेकर आए हैं। बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि दी फिर से महादेव का संदेश दीजिए, और कल सावन सोमवार है, तो महादेव आपको क्या समझाना चाहते हैं? महादेव आपको कौन सा रास्ता दिखाना चाहते हैं? महादेव का आपके लिए कौन सा ज़रूरी संदेश है, ये बताने वाले हैं। तो आपको लंबी सी गहरी सांस लेनी है, आंखें बंद करनी हैं और महादेव को याद करना है, अपने एंजल्स को, ईश्वर को, आप जिन्हें भी मानते हैं उनसे प्रार्थना करिए कि इस रीडिंग में वो हमारे द्वारा कैसे भी करके आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी असमंजस है, जो भी कंफ्यूजन है, जो भी समस्या है, इस रीडिंग में वो आपको उसका समाधान दें। देखिए, ईश्वर कभी भी साक्षात नहीं आते, किसी न किसी को माध्यम बनाते हैं, अपना संदेश देने का जरिया बनाते हैं। तो इसी तरह हमें भी महादेव आप सब लोगों के लिए अपना माध्यम बना रहे हैं और हमारे द्वारा अपना संदेश दे रहे हैं। तो डियर, अगर आपको उस पाइल में आपकी समस्या का समाधान नहीं मिलता जिस पाइल को आपने चूज़ किया है, तो आप दूसरा भी सुन लीजिए, क्योंकि इसमें इतने सारे लोगों की एनर्जी है, इतने सारे लोगों की अलग अलग कंडीशन है, अलग अलग सिचुएशन है। पता नहीं कौन सी लाइन किस पाइल में महादेव ने हमारे द्वारा आपके लिए बोली हो, पता नहीं किस लाइन में आपकी समस्या का समाधान हो। इस वजह से वीडियो पूरा सुनिए, स्किप मत करिए, बैलेंस बनाकर चलिए अपनी लाइफ में। प्यार, परिवार, करियर और ईश्वर, सबको बराबर समय दीजिए, ठीक है? तो चलिए, इस प्यारी सी रीडिंग की शुरुआत करने से पहले एक दो लाइन का भजन गा लेते हैं, महादेव की स्तुति कर लेते हैं, उन्हें याद कर लेते हैं। देवों के देव महादेव हो सकता है कि प्रसन्न हो जाएं और इस रीडिंग में हमारे द्वारा आपको आपकी समस्याओं का समाधान दे दें, ठीक है? तो चलिए, जो लोग भजन में इंटरेस्टेड नहीं है, जिन्हें भजन सुनना अच्छा नहीं लगता, तो डायरेक्टली अपनी रीडिंग भी देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है? और जो लोग हमारे साथ इस भजन में शामिल होना चाहते हैं, तो वो सभी लोग आंखें बंद कर लीजिए और महादेव को याद करिए। ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का नाम, ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का नाम, ऐसी सुबह न आए। ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का नाम। हमें पूरा भजन नहीं आता, लेकिन अगर आप लोग बोलेंगे कि आपको पूरा भजन सुनना है, तो हम नेक्स्ट टाइम महादेव का जब संदेश लेकर आएंगे आपके लिए, तो फिर हम उसमें आपको पूरा भजन सुनाएंगे, ठीक है? तो डियर, आपने पाइल चूज कर लिया है, चलिए अब आप सब लोग अपनी रीडिंग देखिए, ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर वन, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो डियर, महादेव ने आपके लिए कौन सा संदेश भेजा है,
महादेव आपको कौन सा रास्ता दिखाना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, हमारे माध्यम से वो अपनी कौन सी बात आप तक पहुंचाना चाहते हैं। सबसे पहले महादेव बहुत सारे लोगों से कहना चाहते हैं कि अपने जीवन में डर को ख़त्म करिए, हिम्मत करके आगे बढ़िए। हो सकता है कि कुछ लोगों ने पास्ट में कुछ ऐसा देखा हो जिसकी वजह से अब उनका विश्वास ख़त्म हो गया है, वो इतना ज़्यादा डर गए हैं कि अपनी लाइफ में आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। दिन पे दिन वो नेगेटिविटी की ओर जा रहे हैं, डार्कनेस की तरफ जा रहे हैं। तो महादेव उनसे कहना चाहते हैं कि अपने डर को ख़त्म करिए, अपने डर को ख़त्म करिए और आगे बढ़िए। ये जीवन दुख सुख का संगम है, समझ रहे हैं? यहाँ पर कुछ अच्छे और कुछ बुरे दोनों ही अध्याय हो सकते हैं, दोनों ही चीज़ें मिल सकती हैं। सिर्फ अच्छी चीज़ें आपको मिले ये निश्चित नहीं है। हर इंसान को दोनों पड़ाव से होकर गुजरना पड़ता है। तो आप क्यों दुख में ही स्टक हैं, आप क्यों वहीं पर अटक गए? आगे बढ़ना है ना। ये आपसे स्पेशली महादेव कहना चाहते हैं कि इस नेगेटिविटी को ख़त्म करिए, अपने डर को ख़त्म करिए, क्योंकि डर डर के जीना किसी काम का नहीं होता। आप तो जीते जी मर चुके हैं अगर आपके अंदर इतना ज़्यादा डर है। ये डर किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है, ऐसे आप कभी भी कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। डर डर के जीने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, महादेव हमेशा आपके साथ हैं, आप कभी भी अकेले नहीं हैं, वो हमेशा हर कदम पर हर घड़ी आपके साथ रहते हैं। कुछ लोग किसी चीज़ के लिए एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ नया स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, आप अपने आप समझ लीजिए, हम ज़्यादा कंडीशन नहीं बताएंगे। आपकी लाइफ में कुछ है ऐसा, लाइक एग्जांपल आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, किसी को कमिटमेंट देना चाहते हैं, किसी के साथ ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, कुछ भी, जो भी आप अपनी ज़िंदगी में नया आरंभ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ी और इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है। महादेव आपसे कहना चाहते हैं कि थोड़ी और जानकारी एकत्रित कीजिए। एक्शन लेने के लिए सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है, अभी आप उस इंसान को या फिर उस काम को या फिर उस चीज़ को अच्छे से नहीं जानते हैं, और बिना जानकारी लिए आप एक्शन मत लेना, कोई कमिटमेंट मत देना। अगर कोई इंसान है आपको किसी भी तरह का कोई ऑफर दे रहा है किसी भी तरीके का, तो उनसे महादेव यही कहना चाहते हैं कि क्लियर बात करना सीखिए। अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस लेकर आइए, इतना आत्मविश्वास लेकर आइए कि आप लोगों से क्लियर बात कर सके, बिना डर के, बिना हिजक के, बिना हेजिटेशन के। जो है सो है, क्लियर बात करना पसंद करिए, क्लियर बात करिए, और बिना पूरी जानकारी लिए हुए किसी भी काम को स्टार्ट मत करिए। किसी की भी बातों में आने की ज़रूरत नहीं है, एक एक कदम पर फूंक फूंक कर चलने की ज़रूरत है, बैलेंस बनाकर चलने की ज़रूरत है। पता है ज़िंदगी कैसी है, जैसे कि सर्कस में आपने देखा है ना, वो छोटे छोटे बच्चे रस्सियों पर चलते हैं, अगर ज़रा सा उनका ध्यान बट गया, उनकी अवेयरनेस ज़रा से भी इधर उधर हुई, वो गिर जाएंगे। लेकिन वो क्या करते हैं, बैलेंस बनाने के लिए अपने हाथ में एक बहुत बड़ा सा लठ लिए होते हैं, एक बहुत बड़ा डंडा लिए होते हैं, और उससे वो बैलेंस बना कर रखते हैं। तो ऐसी ही ज़िंदगी है, अगर आपने अवेयरनेस खो दी, अगर आपने बिना सोचे समझे किसी काम के लिए एक्शन ले लिया, ये काम किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। आप अपने आप समझिए, लव लाइफ हो, करियर हो, किसी से मिलना हो, कहीं जाना हो, किसी पर ट्रस्ट करना हो, कुछ भी, जरा सा चूके के नीचे गिर गए, कहीं के नहीं बचेंगे। तो सोच समझ कर एक्शन लीजिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा दुखी हैं किसी चीज़ को लेकर, नेगेटिविटी से भरे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि उनकी लाइफ में कुछ नया हो ही नहीं रहा है, कोई न्यू बिगनिंग हो ही नहीं रही है,
जैसे कि उनकी जिंदगी रुक सी गई है। तो महादेव आपसे कहना चाहते हैं कि जब भी आपको कुछ भी मिलता है, क्या आपने कभी ईश्वर को धन्यवाद बोला? क्या आपने कभी यूनिवर्स के प्रति ग्रेटिट्यूड की भावना रखी? हम सब कितने एहसान फरामोश होते हैं, वो हमें कितना कुछ देते हैं, कितना कुछ देते हैं, लेकिन हमारी इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं होती। वो जो भी देते हैं हम उसे भूल जाते हैं और फिर रोना रोना शुरू कर देते हैं कि तुमने ये नहीं दिया, तुमने वो नहीं दिया। याद करिए अपने जीवन की कोई ऐसी घटना जहां पर उन्होंने सबसे आगे आपको रखा। अपने जीवन के उन क्षणों में जाइए जहां पर आपने महसूस किया हो कि चमत्कार हो गया, ये तो इम्पॉसिबल था, कैसे हो गया, वो सब उन्होंने ही किया था, कैसे भूल जाते हैं आप। और फिर जीवन में सफल होना असफल होना आपके कर्मों पर आधारित होता है। आपके कर्म निर्धारित करते हैं कि आपको क्या पाना है, आप फ्यूचर में क्या हासिल करेंगे, सुख या दुख। अगर आप हर घड़ी हर काम को करते वक्त नेगेटिव हैं तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा फ्यूचर में? आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपको फ्यूचर में पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा? आपने एक कड़वा बीज बोया, आप दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं, दूसरों के लिए बुरा करते हैं, तो आप अपने लिए अच्छा होने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? कैसे कड़वा बीज बोकर आप मीठा अनाज खाने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? नहीं ना, हम यहाँ पर ये नहीं बोल रहे हैं कि आप लोगों के साथ बुरा करते हैं, आप अपने साथ बुरा करते हैं। जब आप हर घड़ी नेगेटिविटी से भरे होते हैं, नकारात्मक विचारों से घिरे होते हैं और उनसे ऊपर उठने की कोशिश नहीं करते। भगवान ने कुत्ते को कुत्ता ही बनाया है, वो कुत्ते से ऊपर उठकर नहीं जा सकता। गधे को गधा ही बनाया है, वो गधे से ऊपर नहीं उठ सकता। लेकिन आपको मनुष्यता से ऊपर उठना होगा। लोगों की इंसानियत दिन पे दिन मरती जा रही है, पहले आप अच्छे इंसान बनो, पहले आप एक अच्छी आत्मा बनो, फिर आप परमात्मा भी बन जाओगे, परम आत्मा, समझ रहे हो? तो इस वजह से जानवर अपना विकास नहीं कर सकते, पर इंसान अपना विकास कर सकता है। आप कर सकते हैं, आप अपनी चेतना को ऊपर उठा सकते हैं, आप हायर लेवल पर जा सकते हैं, आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो सकते हैं। तभी तो लोग कहते हैं कि मनुष्य जीवन बड़ा ही दुर्लभ है, कुत्ता कुत्ता ही रहेगा, गधा गधा ही रहेगा, बिल्ली बिल्ली ही रहेगी, जितने भी जीव जंतु हैं वो ही रहेंगे, लेकिन आप उनसे ऊपर उठ सकते हैं, आपके पास वो संभावनाएं हैं। पर आप उठना ही नहीं चाहते, लेकिन आप दोष सबको देते हैं कि इनकी वजह से, इनकी वजह से, इनकी वजह से। तो महादेव आपको यही समझाना चाहते हैं। और यहाँ पर ये समझ लीजिए कि आप इतने भाग्यशाली हैं कि हर वक्त ईश्वर का आशीर्वाद, एंजल्स की ब्लेसिंग आपके साथ रहती हैं। आप में से जितने लोग बिटवीन सोल जर्नी में हैं, लाइक सोलमेट जर्नी में हैं, उन्हें अपनी लाइफ में बहुत जल्दी सक्सेस मिलने वाली है, उनका रियूनियन होने वाला है। जो भी सेपरेट हैं, बस अपने मन में हर घड़ी ग्रेटिट्यूड की भावना रखिए। सुबह उठते वक्त जब आप सुबह उठते हैं तो चार मंत्र बोलिए सबसे पहले, और भाव के साथ बोलिए। सोते हैं जब आप, तब आप उन चार मंत्रों को बोलिए। दिन भर में जाने अनजाने कुछ ऐसी गलतियां हो गई हैं, शायद आपको पता ना हो, शायद कोई चींटी मर गई है, कोई जीव जंतु मर गया है, किसी की भावनाएं आहत हो गई हैं, किसी को आपकी बातों से तकलीफ हुई है, आपको पता नहीं है। हम लोगों से जाने अनजाने दिन भर में बहुत सारी गलतियां होती हैं, उनके लिए हमें ब्रह्मांड से, ईश्वर से सॉरी बोलना है, महादेव से सॉरी बोलना है कि सॉरी, माफ़ कर दीजिए मुझे, प्लीज़ फॉरगिव मी। और आपने मुझे इतना कुछ दिया, इतना कुछ आप दे रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और लास्ट में आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ मेरा साथ मत छोड़ना, प्लीज़ हमेशा मेरे साथ रहना, ये आप बोलना शुरू करिए, आप अपनी लाइफ में चेंज देखेंगे। एहसान फरामोश मत बनिए,
देता जा रहा है, आप लेते जा रहे हैं, फिर भी कोई ग्रेटिट्यूड की फीलिंग नहीं है, कोई कृतज्ञता नहीं है। ये मत करिए, वरना एक दिन वो देना बंद कर देगा। वो सोचेगा इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ भी दे दो, ये तो दरिद्र है, भिखारियों की तरह हमेशा इसका कटोरा आगे फैल जाता है। कितना भी दे दो, कितना भी दे दो, इसका कटोरा भरता ही नहीं है, इसका भिक्षा पात्र भरता ही नहीं है। इस वजह से महादेव के प्रति आभार व्यक्त करिए। और आपके आसपास बहुत सारी पॉजिटिव स्पिरिट्स हैं, बहुत सारी, हर वक्त उन्हें महसूस करने की कोशिश करिए। वो आपका सपोर्ट करने के लिए, आपका साथ देने के लिए, आपको फ्यूचर में सक्सेस दिलाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। आप इस लायक तो बनिए कि वो आपका काम करें। अगर आप नेगेटिविटी में भरे रहेंगे तो कोई पॉजिटिव आत्मा क्यों आपका सपोर्ट करेगी, क्यों आपका साथ देगी, नहीं देगी वो। जो चीज़ें आपके लेवल की नहीं है उन्हें छोड़ दीजिए, जो लोग आपके लायक नहीं उन्हें छोड़ दीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। आप चेंज देखेंगे, आप मिरेकल देखेंगे। ये जीवन एक पाठशाला की तरह है, यहाँ दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा। एक लेसन लीजिए और आगे बढ़िए, वहीं पर मत रुक जाइए। ये महादेव आपसे कहना चाहते हैं, यही है महादेव का संदेश आपके लिए। पूरा ब्रह्मांड आपको हर वक्त ब्लेसिंग दे रहा है। जैसे हमारी दुनिया है ना, ये पूरा वर्ल्ड है ना, ऐसे ही एक स्पिरिट वर्ल्ड है जहाँ पर पॉजिटिव स्पिरिट्स होती हैं, नेगेटिव स्पिरिट्स होती हैं। लेकिन हम लोग जिस टाइप की स्पिरिट्स को अट्रैक्ट करते हैं, जैसा सोचते हैं, उस टाइप की स्पिरिट्स हमारे आसपास आने लगती हैं, हमारे साथ रहने लगती हैं। ये जो अचानक चमत्कार हो जाता है ना, ये कैसे होता है, वो स्पिरिट्स ही करती हैं। और उन्हें कौन भेजता है? महादेव भेजते हैं, हमारे एंजल्स भेजते हैं, हमारे ईश्वर भेजते हैं, हम जिन्हें भी मानते हैं वो भेजते हैं कि जाओ हमारे बच्चे की मदद करो जाकर। वो सब देवदूत होते हैं, और उन देवदूतों को कौन भेजता है? महादेव भेजते हैं। तो महादेव आपसे यही कह रहे हैं कि जो लोग आपके लायक नहीं हैं उनके बारे में सोचकर अपना दिमाग मत खराब करिए। एक बार अगर आपको जीवन में निराशा मिली है तो उस निराशा को पकड़ कर मत बैठ जाइए, हिम्मत करके आगे बढ़िए। सफलता, सक्सेस आपका इंतजार कर रही है, और आपके प्यार में आपको सफलता जरूर मिलेगी। जो लोग अपने प्रेम को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अपने गृहस्थ जीवन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो उनसे महादेव कहना चाहते हैं कि ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, बस आप सकारात्मक रहिए, पॉजिटिव रहिए, और थोड़ा सा इंतज़ार करिए, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बेहतरीन होगा। आप खुद देखेंगे कि सब कुछ अच्छा हो चुका है, ठीक है? तो ये है आपके लिए महादेव का संदेश। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम तो कहना ही होता है ना, और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है, ठीक है? और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे, और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो डियर, आपके लिए महादेव का क्या संदेश है? महादेव आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या समझाना चाहते हैं, हमारे द्वारा आपको कौन सा रास्ता दिखाना चाहते हैं? सबसे पहले महादेव कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है, तो आपको उसे बैलेंस करने की ज़रूरत है। और आपके अंदर बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होती है, आपके अंदर धैर्य की कमी है, तो आपको थोड़ा सा धैर्य लाने की ज़रूरत है। आपके अंदर अवेयरनेस की कमी है, और लाइफ को इतना सीरियस मत लीजिए, इंजॉय करिए, ज़िंदगी को जीना शुरू करिए, ज़िंदगी को बोझ मत समझिए। अगर बोझ समझेंगे ना, तो एक दिन भी जीना दुश्वार हो जाएगा। और फिर ये सब कुछ आप पर निर्भर करता है कि आप ज़िंदगी में क्या पाना चाहते हैं, किस तरह से जीना चाहते हैं। अभी बहुत सारे लोग दुखी हैं,
कोई लव लाइफ को लेकर दुखी है, तो कोई अपने परिवार को लेकर दुखी है, कोई अपने करियर को लेकर दुखी है। जबकि बार बार ऐसा समझाया जाता है कि कोई भी सिचुएशन बहुत समय तक एक जैसी नहीं रहती है, और यहाँ पर ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम लव लाइफ की बात करें तो यहाँ पर कुछ लोगों का दिल इस वजह से टूटा हुआ है क्योंकि उनके पार्टनर ने उन्हें चीट किया है, आप मैरिड हो अनमैरिड हो, थर्ड पार्टी की वजह से बहुत रूड बिहेव किया है। आप सोच रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन कब तक इंतज़ार करेंगे? महादेव आपसे कहते हैं कि थोड़ा सा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का भी ध्यान दिया करिए, आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। अगर सामने वाला इंसान उस लायक नहीं है तो उसके सामने समर्पित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर पति परमेश्वर नहीं होता और हर पत्नी अनसुईया नहीं होती। वो जो बात कही गई थी ना कि पति परमेश्वर है समर्पित हो जाओ, वो तब के जमाने की बात थी। सतयुग त्रेता की बात आज कलयुग में नहीं चल सकती। इस वजह से आप मैरिड हो अनमैरिड हो, सबसे पहले आप ये देखिए कि सामने वाला इंसान आपकी रेस्पेक्ट करता है या नहीं करता है। लड़ाई भी हो जाए लेकिन एक बात का याद रहे कि आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं होने देना है कि सामने वाला कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है। आप अकेला खुद को कभी भी मत समझिए, कभी कोई अकेला नहीं होता और हो भी नहीं सकता। इस ब्रह्मांड में इतनी सारी पॉजिटिव चेतनाएं हैं जो हर वक्त हम सबकी मदद करती हैं। आपको जब तक लगता है कि आप अकेले हैं, आप बेसहारा हैं, आप इंसान को भगवान से ज़्यादा समझते हैं। इस वजह से आप हमेशा दूसरों के मोहताज हो जाते हैं कि उसने छोड़ दिया तो हम कैसे रहेंगे। अरे उसने छोड़ दिया तो क्या हुआ, उसको बनाने वाला तो है ना, वो आपका साथ देगा। आप कभी अकेले नहीं होंगे, आप एक बार उसके भरोसे एक्शन लेकर तो देखिए, वो ना आपका साथ दे तब कहना। हमें तो बड़ा आश्चर्य होता है ऐसे लोगों को देखकर जो दूसरों पर विश्वास करते हैं। एक बार उस ईश्वर के प्रति समर्पित होकर तो देखिए, एक बार अपने जीवन को उसके भरोसे छोड़कर तो देखिए, चमत्कार हो जाएगा। सबसे बड़ा विश्वास है परमात्मा के ऊपर, सबसे बड़ा साथ है परमात्मा का। उनका हाथ पकड़ लीजिए, उनका साथ पकड़ लीजिए, कभी आपको अकेला नहीं होने देंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं जो किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पर उन्हें बार बार धोखे मिल रहे हैं, बार बार धोखे मिल रहे हैं। तो इंसान आपकी इज्जत ही नहीं करता, आपकी कद्र ही नहीं करता, जिसे आपकी वैल्यू का अंदाजा ही नहीं है, तो क्यों जबरदस्ती उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? भगवान ने आपको दो हाथ तो दिए हैं ना, पैर तो दिए हैं ना। ये दुनिया बहुत बड़ी है और इस दुनिया में हर तरह के लोग हैं। आप एक बार उसके सहारे चलकर तो देखिए। ये सिर्फ हम यूं ही नहीं बोल रहे हैं, यूं ही नहीं बोल रहे हैं। कुछ लोगों को लगेगा कि बोलना बड़ा आसान है पर करना बहुत कठिन है। सब कर चुके हैं, सब देख चुके हैं। हमारी उम्र से, हमारे ज्ञान का, हमारे अनुभव का अंदाजा मत लगाया करिए। हमारी आवाज से हमारे अनुभव का अंदाजा कभी मत लगाना। हमें उतना अनुभव है जितना किसी 80 साल वाले इंसान को होता है, शायद उससे भी कई गुना ज़्यादा। अपनी जिंदगी को हम समय से पहले ही जी चुके हैं। इस वजह से आज हमें ईश्वर ने इस लायक बनाया है कि हम आप सब लोगों को सही रास्ता दिखाएं, आपको अपना अनुभव शेयर करें, आपको जिंदगी जीना सिखाएं, आपको बताएं। सब साथ छोड़ देते हैं ना तो वो साथ होता है, और उसका साथ अनंत होता है। उसका साथ ऐसा नहीं कि 4 दिन बाद छूट गया, उसका साथ अनंत जन्मों तक के लिए होता है। तो उस पर विश्वास करिए। आपने रामायण की एक चौपाई सुनी है, जापर कृपा राम जी की होई, तापर कृपा करे सब कोई। जिस पर उनकी कृपा होती है पूरी दुनिया, सारा संसार उस पर न्यौछावर हो जाता है। एक पल में वो जिसको चाहे राजा बना दे, एक पल में वो जिसको चाहे रंक बना दे, सब उसकी मेहरबानी है। तो ईश्वर पर भरोसा करिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। इन दुखों को यही छोड़ दीजिए,
भरोसा करिए उस पर। आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में न्यू बिगनिंग होने वाली है, न्यू बिगनिंग होने वाली है। अब आपके जीवन का शुभ आरंभ होने वाला है, अब आपकी जिंदगी की नई शुरुआत होने वाली है, न्यू बिगनिंग होने वाली है। समझ रहे हैं? तो जो बीत गया वो बात गई, उसको वहीं छोड़िए और अपने जीवन में आगे कदम बढ़ाइए, आगे बढ़िए। ये सब कुछ आप पर निर्भर है। महादेव आपसे कहना चाहते हैं, जितनी टेंशन आप ले रहे हैं इतनी लेने की जरूरत नहीं है, इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीजें जो भी आज आप देख रहे हैं ना, जो भी आपको देखकर घबराहट हो रही कि हाय ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है, वो सिर्फ 4 दिन की चांदनी है। ये सिर्फ आपको एक लेसन, एक अनुभव देने के लिए मिला है, उससे एक सीख लीजिए और जिंदगी में आगे बढ़िए। अगर आप विश्वास करते हैं, अगर आप विश्वास करते हैं, अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, तो ये समझ लीजिए आपको ढेर सारी सक्सेस मिलेगी, आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आपका प्यार हो, परिवार हो, करियर हो, जो भी हो, जहाँ जाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, सब आप पर निर्भर है। अगर आप अवेयरनेस के साथ, सकारात्मक विचारों के साथ किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं, धैर्य के साथ शुरुआत करते हैं, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है, आप सोचते हैं रातों रात चमत्कार हो जाए, सब कुछ रातों रात बदल जाए, तो ये तो सिर्फ फिल्मों में होता है, हकीकत की दुनिया में बहुत कम होता है। धैर्य तो रखना पड़ेगा, जब जिसका टाइम आएगा वो तभी होगा, ये समझ लीजिए। और स्पेशली महादेव कुछ लोगों से कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन करने का टाइम आ रहा है। बहुत जल्द आप अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करेंगे, अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करेंगे। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है, आपको कोई ऐसी गुड न्यूज़ मिलने वाली है जिसकी आपने उम्मीद छोड़ दी थी। समझ लीजिए कुछ ऐसा मिलने वाला है। नेक्स्ट वीक हम जब महादेव का मैसेज लेकर आएंगे ना, तब आप हमें ज़रूर बताना। और हमें 100% विश्वास है कि अगर महादेव हमें ये बोलने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, तो ज़रूर कुछ लोगों को किसी चीज़ में सक्सेस मिलने वाली है, कोई बहुत बड़ी सक्सेस मिलने वाली है। आप में से कुछ लोग कहीं तीर्थ यात्रा में दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं, किसी मंदिर जाना चाहते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कहीं पर भी आप जाना चाहते हैं, सोच रहे हैं शायद जाने के लिए, तो आप जाइए, आप होकर आइए, एक बार दर्शन करके आइए, आपको अच्छा लगेगा, आपकी ज़िंदगी में एक बदलाव होगा। अगर आपका बहुत ज़्यादा मन है कहीं जाने का, आप में से बहुत सारे लोग कहीं बाहर जाना चाहते हैं, किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट होना चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने एक्स को छोड़कर किसी न्यू पर्सन के साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, कहीं दूर जाकर उनके साथ अपनी दुनिया बसाना चाहते हैं, तो उनको भी महादेव का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, उन्हें भी महादेव आशीर्वाद दे रहे हैं कि बिल्कुल आप अपने जीवन का शुभ आरंभ करिए, उनकी ब्लेसिंग, उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है, आप एक्शन लीजिए, आप अपने लिए आगे कदम बढ़ाइए, ईश्वर हमेशा आपके साथ है। बस जिंदगी को ज़्यादा सीरियस मत लीजिए, और बहुत सारी पॉजिटिव सी आत्माएं आपके आसपास हैं। हो सकता है कि आपको ऐसा फील होता हो कि कोई आपके आसपास है, किसी ने सडनली आपको टच किया, हो सकता है कि आपको कुछ स्पिरिचुअल टाइप के ड्रीम्स आ रहे हों, सपने आ रहे हों, है ना, कुछ ऐसा। तो महादेव सपनों के द्वारा आपको कुछ बताना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं। अब देखिए, ये सारी चीज़ें हम नहीं बता सकते, क्योंकि इस रीडिंग को देखने वाले लाखों लोग हैं, है ना, सबके लिए सबकी अलग अलग सिचुएशन होगी, अलग अलग कंडीशन होगी, कुछ चीज़ें मैच होंगी, कुछ चीज़ें मैच नहीं होंगी। इस वजह से ये आपको ही समझना पड़ेगा कि ईश्वर आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, आपकी इंट्यूशन के थ्रू वो आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, आपके इनर वॉइस के थ्रू वो आपको कुछ बताना चाह रहे हैं। आप में से कुछ लोग किसी कन्फ्यूज़न की स्थिति में हैं बहुत ज़्यादा, तो महादेव उनसे कह रहे हैं कि अपने इनर वॉइस सुनिए, अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए, और आपके अंतरात्मा की आवाज़ मेरी आवाज़ है, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में भी मैं हूँ और आप में भी मैं हूँ। महादेव कण कण में हैं, हम सब में हैं, और वो आपकी इंट्यूशन के द्वारा आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं। और आपकी लाइफ में बस ये समझ लीजिए कि सेलिब्रेशन करने का टाइम आ गया है, आपके दुखों का अंत होने वाला है, यूँ समझिए कि हो ही चुका है,
और आपको आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारा प्यार, ढेर सारी सक्सेस मिलने वाली है। बस ये आपके विचारों पर निर्भर करता है। अब तक जो भी हो रहा था ना, उसकी रिकवरी हो रही है। अब सब कुछ पॉजिटिव होगा। बस आपको पॉजिटिव रहना, बस आपको इंतज़ार करना है, धैर्य के साथ आगे बढ़ना है, ईश्वर पर विश्वास रखना है। इंसानों पर विश्वास मत करिए, ईश्वर पर विश्वास करिए। ऐसे किसी भी इंसान की बात मत मानिए जिसको देखकर आपको लगता है कि झूठ बोल रहा है। अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए, जिसकी बातों पर आपको बिलीव होता है, आपको लगता है कि सच बोलता है, ये स्पिरिचुअल है। आपकी आत्मा जिसकी बातें सुनकर नतमस्तक हो जाती है, समझ रहे हैं, उसकी बातें मानिए, क्योंकि वो ईश्वर का भेजा हुआ इंसान है। उसके द्वारा, उसके माध्यम से ईश्वर आपसे बात कर रहे होते हैं, तो उसकी बात सुनिए, उसकी बात समझिए। वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो डियर, ये है आपके लिए महादेव का संदेश। न्यू बिगनिंग होने वाली है, ज़िंदगी की नई शुरुआत करिए, पॉजिटिविटी के साथ करिए। नेगेटिव थॉट्स यहीं छोड़ देना, ठीक है, पॉजिटिव होकर लाइफ को बैलेंस करिए। ओके, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है। और आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, सिर्फ अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम ओम साई राम।